ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्या का समय पर समाधान हो, इसके साथ प्रत्येक तहसील स्तर पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके चलते झांसी के मौरानीपुर में जिलाधिकारी अविनाश कुमार और एसएसपी राजेश एस के मुख्य आतिथ्य में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम और एसएसपी ने समाधान दिवस में आए हुए लोगों की समस्या को गंभीरता से सुना और लापरवाह अधिकारी और कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। वहीं समाधान दिवस में अधिकतर मामले राजस्व संबंधी आए, इसके अलावा पुलिस विभाग से संबंधी रहे। वहीं बिजली कटौती की समस्या भी समाधान दिवस में मुद्दा बना रहा। चल रहे समाधान दिवस में औचक निरीक्षण के झांसी डीआईजी कलानिधि नैथानी और कमिश्नर आलोक सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, आज यहाँ पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन शासन के निर्देशानुसार किया गया और इसमें लगभग हमारे पास 110 के करीब प्रार्थना पत्र आए हैं और इन प्रार्थना पत्रों में ज़्यादातर प्रार्थना पत्र तो इस प्रकार के थे जिसमें कि किसी किसान की व्यक्तिगत भूमि है और उस भूमि पर उसका कोई विवाद है, अपने रिश्तेदारों से है, भाईजनों से है, परिजनों से है। कुछ ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें कि संबंधित विभागों के द्वारा यदि उनको कोई मुआवजा प्राप्त किया देना था तो उसमें कुछ विलम्ब हुआ है। इन सभी प्रार्थना पत्रों में हम लोगों ने जिनमें मौके की स्थलीय निरीक्षण होना था उसमें संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया है, जो आज शाम तक वहां पर जाकर के स्थलीय निरीक्षण करेंगे और अपनी आँखें उपलब्ध कराएंगे ताकि उस प्रार्थना पत्र का आज ही हम निस्तारण कर दिए। यहाँ पर समस्त व्यवस्थाएं चेक की गई हैं और पास ही में यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, केदारेश्वर मंदिर, वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्थाएं देखी गई हैं। सभी जगह मार्गों पर सीसीटीवी लगाने के आदेश दिए गए थे, उसमें जो कुछ कमियां रह गई हैं उसको शीघ्र पूर्ण करने के लिए कहा गया है। एक्सीडेंट के बारे में विशेष तौर से निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसके लिए जो मेन कट्स आदि हैं वहाँ पर पुलिस ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। पूरी व्यवस्था और सुरक्षा, इन दोनों बातों का पूरा ख्याल रखा गया। झांसी से राजू सिंह के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।